हेलो एवरीवन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ज्योग्राफी क्लास सिक्स चैप्टर वन द अर्थ इन द सोलर सिस्टम माय डियर स्टूडेंट्स आई होप ऑल ऑफ यू आर कीपिंग वेल एंड ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल इन योर स्टडीज आज हम लोग ज्योग्राफी में क्लास सिक्स के चैप्टर वन के बारे में डिस्कशन करेंगे और इसका टाइटल है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम मुझे उम्मीद है आप लोग अपनी नोटबुक और अपने राइटिंग मटेरियल के साथ रेडी होंगे क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट बातें आएंगी उनको हमें अपने नोटबुक में अच्छे से नोट कर लेना है ताकि आने वाले समय में हमारी पढ़ाई हमारा प्रिपरेशन और आसान हो सके सो होप ऑल ऑफ यू आर रेडी ओके लेट्स गो अहेड सबसे पहली बात वर्ड ओरिजिन पर हम लोग आते हैं geography is a term and the term geography is from english language. this term geography has originated from two greek terms. and these two greek terms are number one, gej, that stands for the earth, and graphia, g-r-a-p-h-i-a, that stands for writing. it means j. Plus graphia, that is geography, stands for writing about the earth. I hope this much is clear to all of you. Geo plus logi, that is geology, and geology is the study of the earth. Geo plus metry, geometry, that is measurement of the earth. Geo plus oidoid, geoid, that is resembling the shape of the earth. और रिशेमलिंग फॉर्म ऑफ द अर्थ तो जियो इसमें सब में कॉमन मिला और किसी में लोजी जुड़ा किसी में मेट्री जुड़ा किसी में ओइड जुड़ा और जैसे जैसे ये वर्ड जुड़ते गए इनका मीनिंग भी थोड़ा थोड़ा बदलता गया बट एक बात है कि ये सब रिलेटेड हैं किससे कौन से लैंग्वेज से ग्रीक लैंग्वेज से तो इतनी बात तो आप लोग को क्लियर हो गई होगी इसमें एक बात मैं आपको बता दूं कि जियो प्लस ओइड जियो इट दिस क्वेश्चन हैज बिन आस्ड फ्रिक्वेंटली इन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ये एन में भी पूछा जा चुका है और uh, इस क्वेश्चन को स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी पूछा है अलग अलग स्टेट्स के द स्काई आफ्टर द सनसेट द सन राइज इन द ईस्ट द सन सेट्स इन द वेस्ट ये तो आप लोग सब लोग जानते होंगे सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है चलिए ठीक बात है तो सनसेट के बाद यानी सूरज के अस्त होने के बाद की कहानी हम लोगों को सीखनी है जब सनसेट के बाद अगर नाइट स्काई बिल्कुल क्लियर हो ब्राइट हो मतलब क्लाउड्स ना हो तब आप स्काई की तरफ देखते हैं तो आपको सनसेट के बाद का स्काई कुछ ऐसा दिखता है ठीक है धीरे धीरे बहुत कम संख्या में इक्के दुक्के है ना स्टार्स आपको दिखाई देते हैं फिर धीरे धीरे स्टार्स की संख्या बढ़ती जाती है और अचानक आपको लगने लगता है ऐसा कि आसमान कितना सुंदर है कितना चमकीला है कितना ब्राइट है मिलियंस ऑफ स्टार्स एंड वन लवली मून एक प्यारा सा चांद ये आपको क्लियर नाइट स्काई में दिखेगा रेनी सीजन में या किसी और सीजन में भी जब क्लाउडी स्काई होगा तो यह चीजें आपको नहीं दिखेंगी दीज थिंग्स विल नॉट बी अपियरिंग वेरी ब्राइट और वेरी क्लियर टू अस द मून वेन वी विटनेस और वी सी द स्काई आफ्टर द सनसेट वेन द स्काई इज वेरी क्लियर एंड ब्राइट वी फाइंड ट द मून इज लुकिंग वेरी क्लियर वेरी ब्यूटिफुल लेकिन एक बात मैं यहां आपको बता दू लगातार आप तीस दिनों तक चांद को देखिए लगातार देखिए सनसेट के बाद आपको यह कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा लेकिन यह तीस दिनों की बात हम किस दिन से शुरू करेंगे भाई या तो हम शुरू करेंगे फुल मुन नाइट से या शुरू करेंगे न्यू मून नाइट से तब जाके ये बात क्लियर होगी फुल मून नाइट यानी पूर्णिमा की रात न्यू मून नाइट यानी अमावस्या की रात ठीक है तो जब मून को देखेंगे सपोज हम अमावस्या की रात यानी न्यू मून नाइट के बाद देखते हैं तो धीरे धीरे चांद का सेप बड़ा होते जाएगा बड़ा होते जाएगा और एक दिन फिर आएगी पूर्णिमा की रात जिस दिन चांद पूरा दिखेगा वो अपने फुल शेप में दिखेगा। मून विल बी अपियरिंग इन इट्स द नाइट ऑफ पूर्णिमा डिक्रीजिंग एंड आफ्टर फोर्टीन डेज आई मीन ऑन द फिफ्टीन डे इट इज न्यू मून नाइट फुल डार्क पूरा अंधेरा काली रात लेकिन घबराइए नहीं डरने की बात नहीं है क्योंकि हर अमावस्या के बाद पूर्णिमा भी आएगी और पूर्णिमा के बाद अमावस्या का आना भी होगा बट ये कितने दिनों के बाद होगा 14 डेज के बाद यानी फिफ्टीन डे सेवन डेज वन वीक फिफ्टीन डेज वन फोर्थ नाइट ओके 28, 29, 30 और 31 डेज ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा क्या चीज वन Month. We may see the moon on most of the days. Most of the days of the year, most of the days of the week, most of the days of the fortnight. Week 7 days, fortnight 15 days, and month as I told you 28 days, 29 days, 30 days, and 31 days. The moon appears at different times, different times after the Sunset, different shapes in different shapes it appears, different positions in different positions in the sky it appears. Full moon night only once in a month that I told you after 15 days, then new moon night again only once in a month that is after 15 days. So, 15 days gap between the full moon night and the new moon night. ई कांट वी सी द मून ड्यूरिंग डे टाइम हम लोग दिन के समय में चांद को क्यों नहीं देख सकते द ओनली रीजन इज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी द मून ऐसा नहीं है कि दिन के समय में चांद आसमान में नहीं होता है होता है बट सूरज की चमक इतनी तेज होती है कि उसके आगे चांद हमें दिखाई नहीं देता थोड़ा और आगे बढ़े द सन द मून एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स साइनिंग इन द नाइट स्काई आर टुगेदर कॉल्ड द सेलेस्टियल बॉडीज खगोलीय पिंड के बारे में जब आपसे पूछा जाए कि सेलेस्टियल बॉडीज किसको बोलते हैं तो बहुत साधारण सी बात है कि आसमान में जो भी आपको चमकीली चीजें दिखती हैं दट इज द सन द मून एंड ऑल द ऑब्जेक्ट बट सबसे बड़ी बात क्या है साइनिंग इन द नाइट स्काई तो उनको हम लोग बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज थोड़ा और हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं बड़े रेडी है आप लोग ओके स्टार्स किसको बोलते हैं स्टार्स बोलते हैं इसको आप लोग को दिखाई दे रहा हुआ स्क्रीन पर येस yes. ये जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है ये है नाइट स्काई में दिखने वाले स्टार्स ठीक है तो सम आर बिग एंड हॉट टू कुछ स्टार्स जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं कुछ में चमक भी बहुत ज्यादा होती है और कुछ स्टार्स आप लोग देख रहे होंगे आसमान में बहुत छोटे दिखते हैं स्टार्स आर अप ऑफ गैसेस ये स्टार्स में चमक जो आपको दिख रही है वो किसके कारण है गैसेस के कारण है एंड स्टार्स तो क्लियर हो गई भाई कि जब इनमें जब ये बड़े हैं ये हॉट भी हैं, गर्म भी हैं और गैसेस से बने हैं तो इसका तो मतलब यही हुआ ना कि इनके पास अपना हीट है और अगर हीट है तो लाइट है अगर इनमें लाइट है तो इनमें हीट भी है ठीक है एंड दैट इज वाई हीट एंड लाइट इन लार्ज अमाउंट बड़ी मात्रा में एमिट मतलब छोड़ते हैं क्या छोड़ते हैं भाई हीट भी छोड़ते हैं और लाइट भी छोड़ते हैं और ऐसा क्यों है बिकॉज दे हैव देयर ओन हीट दे हैव देयर ओन लाइट दे हैव सफिशियंट मोर देन रिक्वायर्ड हीट एंड मोर देन रिक्वायर्ड लाइट एंड दैट इज वाई एमिट इसीलिए ये छोड़ते हैं क्या छोड़ते हैं बहुत सारा हीट और बहुत सारा लाइट जिसके पास जो चीज बहुत ज्यादा होगी जरूरत से भी ज्यादा होगी वही छोड़ भी सकता है दे भी सकता है इससे हम लोग लग लगभग ये बात भी तो जान ही जाते हैं आगे बढ़ते हैं स्टार्स के बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं कि द सन इज स्टार सूरज भी एक स्टार है

अब सवाल यह है कि जब हम अपने सन यानी सूरज की लाइट और हीट को फील करते हैं महसूस करते हैं और सूरज की तरफ बहुत सारे स्टार्स और भी हैं स्काई में तो उनके हीट और लाइट को हम लोग क्यों नहीं फील करते क्योंकि वो हम लोगों से बहुत दूर है बहुत दूर है इतनी दूर कि दे अपियर वेरी टाइनी वो बहुत छोटे दिखते हैं और बहुत दूर है टू थिंग्स आर देयर दे आर वेरी 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 फार अवे एंड दैट इज वाई दे अपियर वेरी टाइनी वेरी स्मॉल एंड दैट इज द रीजन दे डू नॉट मेक फील दे आर हीट एंड लाइट इसीलिए हम उनके हीट और लाइट को फील नहीं करते हैं आई थिंक दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू लेट्स गो अहेड ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर वेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस जब हम बहुत दूरी से चीजों को देखते हैं तो वह चीजें हमें बहुत छोटी दिखाई देती हैं आप रेलवे स्टेशन पर जाइए आप एयरपोर्ट पर जाइए या ऐसे भी खुले मैदान में आप एरोप्लेन को देखते हैं स्काई में आप काइट्स उड़ाते होंगे आसमान में आप बर्ड्स को स्काई में देखते होंगे ये सब हम जमीन पे खड़े होके दिखते हैं तो हमें बहुत छोटी दिखती है वेन वी सी द एरोप्लेन इन द स्काई अइट इन द स्काई वेन वी फ्लाई काइट इन द स्काई वेन वी सी बर्ड्स इन द स्काई दे अपियर टू बी वेरी वेरी स्मॉल बट वेन वी सी देम ऑन द एयरपोर्ट इन आवर हैट ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री और इन आवर गार्डन देन दे अपीयर टू बी बिगर इन देअिनल साइज तो ये बात तो क्लियर हो गई कि जो चीज हमारी नजर से जितनी ज्यादा दूर होगी वो हमें उतनी छोटी दिखेगी और जितनी करीब होगी उतनी बड़ी दिखेगी बिल्कुल करीब आने के बाद वो अपने ओरिजिनल सेप में हम लोगों को दिखेगी ये बात तो आप लोग क्लियर हो गई होगी ओके एक एक्सपेरिमेंट करके हम लोग देखते हैं एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीज चाहिए हम लोग को एक टॉर्च चाहिए शीट ऑफ़ प्लेन पेपर चाहिए, पेंसिल चाहिए और निडिल चाहिए इतनी चीजें कभी भी आप लोग करके देख लीजिएगा ठीक है तो पहला स्टेप हमारा होगा कि वी प्लेस द टॉर्च इन द सेंटर ऑफ द पेपर विथ इट्स ग्लास फ्रॉन टचिंग द पेपर ठीक है पेपर को हम लोग अपने टेबल पे रखेंगे उसके ऊपर टॉर्च को रखेंगे टॉर्च का जो फोकस वाला एरिया है यानी ग्लास वाला एरिया है वो पेपर के ऊपर पर रहेगा ठीक है उल्टा करके यानी रखेंगे टॉर्च में जिधर से लाइट आती है जिधर कांच होती है ग्लास होती है उसको पेपर साइड में रखेंगे ठीक है और उसके बाद क्या करेंगे नाउ ड्रॉ अ सर्किल अराउंड द टॉर्च टॉर्च के चारों तरफ एक सर्किल तो अब बन जाएगी आप समझ गए होंगे तो वैसे सर्किल बना लीजिए थर्ड स्टेप में परफोरेट द पेपर विद इन द सर्किल एरिया जो आपने सर्किल बनाया उस सर्किल में अब आपको क्या करना है अपने निडिल ले लीजिए एक और निडिल से छोटे 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 उस सर्किल के अंदर ही बहुत सारे होल्स कर लीजिए इस काम को हम लोग बोलते हैं परफोरेट करना तो ये हो गया फोर्थ स्टेप में नाउ प्लेस द परफोरेटेड सर्किल पार्ट ऑफ द पेपर ऑन द ग्लास फ्रंट एंड रैप द पेपर अराउंड द टॉर्च अ रबर बैंड जो आपने पेपर पे सर्किल बनाया था और जिसको परफोरेट किया था यानी छोटे छोटे होल्स किए थे उसको फिर से एक बार उसी ग्लास पर यानी अपने टॉर्च के ग्लास पर उसको रखिए और जो रिमेनिंग पार्ट पेपर का है उसको फोल्ड कर दीजिए पीछे साइड में उसके ऊपर एक रबर बैंड आप लगा दीजिए वो जब आप रबर बैंड लगा देंगे तो वो फिक्स हो गया अब वो हिलेगा नहीं अब आगे क्या काम करना है फिफ्थ स्टेप में टेक केयर दैट द स्विच ऑफ द टॉर्च इज नॉट कवर्ड क्योंकि आपको स्विच को यूज करना है स्विच को ऑन करना होगा ऑफ करना होगा कब करना होगा अब हम लोग अगले स्टेप में चलते हैं Sixth step हमारा होगा इन अ डार्क रूम आप अपने कमरे की लाइट ऑफ कर दीजिए कर्टन लगा दीजिए विंडोज लगा दीजिए अब उसमें थोड़ा अंधेरा जैसा जहां फील हो वहां पे स्टैंडर्ड डिस्टेंस कुछ दूरी पे खड़े हो जाइए फेसिंग अ प्लेन वॉल जिस तरफ की दीवार बिल्कुल प्लेन हो उधर फेस करके खड़े होइए स्विच ऑफ ऑल अदर लाइट्स किसी तरह की लाइट कमरे में ना आए इस बात को आप लोग अच्छे से देख लेंगे नाउ फ्लैश द टॉर्च लाइट अब टॉर्च की लाइट को ऑन कीजिए यानी स्विच को ऑन कीजिए याद रखिएगा इसीलिए हम लोगों ने स्विच के पास रबर बैंड नहीं लगाया था ऑन द वॉल ऑफ लाइट ऑन द वॉल लाइक स्टार साइन इन द नाइट जैसे आसमान में तारे दिखते हैं ठीक उसी तरह से अब हम लोग जिस वॉल की तरफ हम लोगों ने टॉर्च का लाइट करके ऑन किया है वो एक आसमान की तरह लगने लगेगा ठीक है छोटे छोटे न्यूमरस स्टार्स जैसे साइन uh, करते हैं नाइट स्काई में वैसे उस वॉल पे छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देंगे जो चमकते हुए होंगे आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट यू कैन डू इट लेटर ऑन ओके सेवेंथ स्टेप स्विचन ऑल द लाइट्स इन द रूम उसी कमरे में रहिए सभी लाइट्स को ऑन कर दीजिए क्या अब आपको ऐसा दिखेगा ऑल डॉट्स ऑफ लाइट आपने टॉर्च को अभी बंद नहीं किया है सिर्फ उस कमरे की लाइट्स को ऑफ करना है टॉर्च को ऑन रखिए क्या अब आपको वो दिखेंगे नहीं ठीक है दिस डॉट्स ऑफ लाइट विल बी ऑलमोस्ट इनविजिबल अब आपको एक्सपेरिमेंट वाली बात समझ में आ गई होगी

शंस एक बार स्काई को आप फिर से देखेंगे किसी क्लियर नाइट में तो ये बात आपको समझ में अच्छे से आ जाएगी इट्स बेटर इफ यू टेक हेल्प ऑफ सम अदर सीनियर पर्सन इन योर फैमिली एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स वॉच द स्काई एट नाइट नोटिस वेरियस पैटर्न फॉर्मड बाई डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स ये जो आपको अलग अलग शेप स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये स्टार्स के पोजीशन के कारण हैं, अलग अलग शेप में हैं, ठीक है और इनमें से कुछ तो अगर थोड़ा सा हम फोकस बना दें, थोड़ा गौर करें तो इस तरह के इस एनिमल के शेप में दिखेंगे आगे चल इस तरह से जब हम लोग देखते हैं आसमान में तो हमें एक और पोजिशन मिलता है ठीक है ये वेस्ट डायरेक्शन है ठीके? ये ईस्ट डायरेक्शन है ठीक है ये नॉर्थ डायरेक्शन है और ये साउथ डायरेक्शन है फेसिंग द ईस्ट डायरेक्शन तो ईस्ट को फेस कर रहे हैं तो हमारा बैक साइड हो गया वेस्ट हमारे ऊपर हो गया नॉर्थ और नीचे हो गया साउथ ये आप मानते हैं और जानते भी हैं जब हम ऐसे देखेंगे तो हम लोगों को आसमान में वी विल फाइंड अ स्पेशल पैटर्न ऑफ स्टार्स इन द स्काई इन द क्लियर नाइट बी विजिबल व्हेन वी आर फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन ओके देन

ये बिल्कुल पैरल लाइन में होंगे फिर यहां पे वन टू थ्री ये पैरल लाइन में होंगे तो यहां से ये टू को लेके जाएंगे और इन तीनों के इसके लेफ्ट से लेफ्ट हैंड साइड से दो को छोड़ के फिर पास से जाएगा ये सीधा जाएगा दिस इज पोल स्टार बहुत पहले पुराने समय में इसी पोल स्टार को देख करके नेविगेटर्स जो मर्चेंट्स होते थे जो ओशन रूट को फॉलो करते थे या जो प्लेन रूट को भी फॉलो करते थे वो लोग भी इसी को नॉर्थ स्टार को या पोल स्टार को देख के डायरेक्शन का पता लगाते सप्तऋषि दीज सेवन स्टार्स आर कॉल्ड सप्तऋषि सेवन सेजेस अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी यू कैन से मारीची वशिष्ठ अंगीरा अत्रि पुलस्त पुला एंड क्रतू यह हो गए सेवन स्टार्स या सप्तऋषि दे आर इजिली रिकोग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन अ ग्रुप ऑफ सेवन स्टार्स दिस इज सप्त ऋषि सेवन ओके अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर अंस्टिलेशन ये सप्तऋषि जो है वो उर्सा मेजर नाम के कॉन्स्टिलेशन के पार्ट है ठीक है मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं

Like Ursa मेजर देयर आर मेनी constellations इन द स्काई ठीक है इनको अगर आप अच्छे से देखना चाहते हैं समझना चाहते हैं तो आपको एक और काम करना होगा अपने घर के किसी सीनियर पर्सन के साथ क्लियर नाइट स्काई को देखिए वो आपको अच्छे से बता देंगे कि ये कौन से सेवन सेजेस हैं इनका लोकेशन बताना है उनको बाकी तो आप जानते हैं You are supposed to take their help to find out the location and nothing else. Rest of the things all of you know. Let's go ahead. The Pole Star. अभी हम लोगों ने बात किया है North direction में सबसे brightest star जो है उसी को हम लोग बोलते हैं Pole Star. Ancient times में directions का पता night के समय में इसी से लगता था the North Star और the Pole Star. It's seen in the northern direction, always at same position in the sky. That is one of the most important reasons uh, to make this star helpful for the navigators and to the traders and merchants or to the common people also to find out the direction at night. Always at same position in the sky, Saptarishi helps to locate what? Direction. Imaginary line joining the pointer stars. These two are the pointer stars. Okay. They help us to find out the pole star. Extended further, the pole star. Okay. We are standing here. We are looking straight towards the pointer stars. These two are the pointer stars. And then straight at the end in the northern direction, the most. Bright star, or you can say the right way will be to say the brightest star in the northern direction is the pole star. Okay, let's go ahead. The planets, the planets we can say uh, about the planets, they do not have their own light and heat. Sun has its own light and heat, but the planets they do not have their. Own light and heat. They are lit by the light of stars. Sun is the brightest star. We have to remember that. Planet is a Greek term. In fact, planet is an English term. It has been derived from a Greek term, planetai. And uh, the Greek term planetai means wanderers. Bhatakne wale. इसीलिए प्लैनेट्स को देखेंगे ये हमेशा मूव करते रहते हैं एक स्पेशल डायरेक्शन में एक स्पेशल ऑर्बिट में स्पेशल पाथ में सेवन अदर प्लैनेट्स गेट लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन सेवन प्लैनेट्स हैं ये हीट और लाइट सन से मिलता है इनको सम हैव देयर मून्स टू और इन जो प्लैनेट्स हैं इनमें से कुछ के पास तो अपने मून भी about the planets once again something more the earth is a planet earth is also called blue planet as all of you know uh, because of its color appearing from the sky okay because 2/3 of 2 by 3 2/3 of the surface of the earth of this planet earth is covered with water

आसमान में जाने के बाद है ना एरोप्लेन पर भी आप अगर बैठे हैं और उड़ रहे हैं तो उसके विंडोज से भी जब आप देखेंगे क्लियर डे टाइम में तो इट अपीयर्स टू बी वेरी वेरी ब्राइट इवन फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अप इन द स्काई व्हेन यू आर सिटिंग इन एन एरोप्लेन ठीक है आगे बढ़ते हैं तो सैटेलाइट क्या होता है सेटेलाइट उपग्रह इसको हिंदी में बोलते हैं इट इज अ सेलेस्टियल बॉडी एंड इट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स इज़ सेलेस्टियल बॉडी ये एक आकाशीय पिंड है जो प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमता है इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन अब एक बात और आ गई क्या आ गई कि सन के चारों तरफ कौन घूमता है प्लैनेट्स घूमते हैं और प्लैनेट्स के चारों तरफ कौन घूमता है सैटेलाइट्स घूमते हैं तो दो जरूरी बातें आ गई द मून इज अ सैटेलाइट द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इट मींस द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ आगे बढ़ते हैं अ ह्यूमन मेड सैटेलाइट ह्यूमन मेड सैटेलाइट मीन्स वॉट एन आर्टिफिशियल बॉडी इट इज डिजाइंड बाई साइंटिस्ट्स to gather information about the universe or for कम कम्युनिकेशन जो हम लोग टेलीविजन में प्रोग्राम्स देखते हैं जैसे हमारी मोबाइल्स वर्क करती हैं, ये सब कैसे होता है जैसे हमारे रेडियो वर्क करते हैं फंक्शन करते हैं और हम सब उनका एडवांटेज लेते हैं ये सब पॉसिबल होता है आर्टिफिशियल सेटेलाइट से यानी ह्यूमन मेड सेटेलाइट से हर कंट्री ने अपने सैटेलाइट्स लॉन्च करके रखे हैं और उन सैटेलाइट्स का अपना अपना ऑब्जेक्टिव होता है हर सैटेलाइट का अपना ऑब्जेक्टिव होता है इट इज कैरिड रॉकेट सैटेलाइट्स को रॉकेट से ले जाकर के और उनके प्लेस पर उनके ऑर्बिट में सेटल uh, किया जाता है वहां से वो अर्थ का चक्कर लगाते हैं सम ऑफ द इंडियन सेटेलाइट इन द स्पेस आर इनसेट आई आर एस एंड एडुसेट एडुसेट के बारे में तो आप लोग जानते भी होंगे ये एजुकेशन के मामलों में सपोर्ट करता है एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके और उन इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है ओके कैरी ऑन द सोलर सिस्टम एस ओ एल सोल ओके इज द सन गॉड इन रोमन माइथोलॉजी सोलर इट इज रिलेटेड टू द सन टर्म सोलर मींस रिलेटेड टू द सन वेन वी से सोलर सिस्टम इट मीन द फैमिली ऑफ द सन द सन एंड द प्लैनेट्स विच मूव अराउंड जो सन के तरफ चारों तरफ घूमते हैं चक्कर लगाते हैं यानी उसके फैमिली मेंबर्स हैं इनको मिला के बोला जाएगा फैमिली ऑफ द सन यानी सोलर सिस्टम थोड़ा और देखते हैं तो हम लोग बात कर रहे थे सोलर सिस्टम के बारे में और ये जान रहे थे कि द सन द एट प्लैनेट्स सेटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज एंड आर दीज अदर सेलेस्टियल बॉडीज द एंड दे फॉर्म द सोलर सिस्टम दैट इज फैमिली ऑफ द सन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं प्लैनेट्स के बारे में हम लोगों ने अभी बात किया कि देयर आर एट प्लैनेट्स तो एक ट्रिकी सेंटेंस अक्सर आप लोगों ने सुना भी होगा हो सकता है सम ऑफ यू मे हैव हर्ड अबाउट दिस सेंटेंस माई वेरी एफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स एम मर्क्यूरी वी वेनस ई अर्थ एम मार्स जे जुपिटर एस सैटन यू यूरेनस एंड एन नेप्ट्यून so these are the eight planets okay uh, you can see here 5 6 and 7 jupiter saturn and uranus uh, it's a very important thing to notice that these three uh, planets they move around uh, the sun like others move but these three have one special feature all these three i mean jupiter saturn and uranus हैव रिंग ऑन देयर बॉडी इनके ऊपर रिंग आप लोगों को दिखाई देगा इन तीन प्लैनेट्स के ऊपर लेट्स गो है जुपिटर सैटन यूरिनस जुपिटर सैटन एंड यूरिनस हैिंग्स अराउंड डेम वॉट आर दीज रिंग्स दीज आर द बेल्ट ऑफ स्मॉल डेबरेज दीज रिंग्स में बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप ओके ये जो रिंग्स हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में है ना बेल्ट की तरह ये है और इनमें काफी चमकीलापन होता है बट इनको देखने के लिए हम लोगों को पावरफुल टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती है अदरवाइज ये हम लोग पिक्चर में ही देख सकते हैं एस्ट्रोनोमर्स कौन होते हैं एस्ट्रोनोमर्स दोज स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट्स उनको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनोमर्स। आर्यभट्ट को छोड़ करके और भी अगर कोई एस्ट्रोनोमर आपको अपने कंट्री में अच्छे नाम याद आते हैं तो आप जरूर याद कीजिएगा तो आर्यभट्ट हम अपने कंट्री का सबसे अच्छा एस्ट्रोनोमर अभी तक में तो इन्हीं को मानते हैं कंसिडर आर्यभट्ट एज द बेस्ट एस्ट्रोनॉमर ऑफ आर कंट्री ठीक है बोर्न इन कुसुमपुरा यह क्विज का क्वेश्चन भी है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम का भी पाटलिपुत्र के पास है प्रेजेंट डे पटना इन इंडिया आर्यभट्ट ने कहा था ही हैड स्टेटेड वंस द मून एंड द प्लैनेट्स साइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट गौर करने की बात है उस जमाने में आर्यभट्ट ने उस जमाने में मतलब गुप्ता पीरियड में आर्यभट्ट ने ये डिक्लेरेशन किया था सोचिए उस समय वो कितना नॉलेज रखते होंगे कितना कैलकुलेशन उन्होंने किए होंगे तब जाके इस बात को फाइंड आउट किया होगा जो आज के साइंटिस्ट भी कहते हैं कि यस इट्स एब्सोल्युटली राइट द सन इज द हेड ऑफ द सोलर फैमिली इट इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर फैमिली It is made up of extremely hot gases. Tabitoitna heat or light. Sun The sun provides pulling force to bind the solar family. Pulling force, gravitation force, the ultimate source of light and heat for the solar family. Who? The sun. The heat is not felt on the earth. Complete heat of the sun is not felt on the earth because the earth is far, far away from the sun. The nearest star from the earth, okay, but 150 million kilometers away from the earth. So the distance matters here. Yaha, distance ka khel hai. Itna Jada distance. Hai सन और अर्थ के बीच में कि हम सन के कंप्लीट हीट और लाइट से बच पाते हैं यह हमारे लिए अच्छी बात है अदरवाइज आवर एनवायरमेंट कुडंट हैव सर्वाइव्ड लाइफ कुडंट हैव बीन देयर ऑन द अर्थ पर प्लैनेट्स दे डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट दैट इज वाई दे you can say get heat and light from the sun lit by the light of stars i told you sun is the brightest star planet is a greek term as i have told you and derived from planetai that means the wanderers so the planets they move around the sun in fixed path this fixed path is called orbit this fixed path is called what orbit i repeat once again this fixed path is called what orbit okay these paths are elongated ye ek sath aise circle mein chalte hain the earth is also a planet we have studied that earth is a blue planet let's go ahead प्लैनेट्स में कुछ के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं जिनके बारे में competitive exams में ज्यादा पूछा जाता है Mercury it is the nearest planet to the sun and it takes 88 days to complete one round along the orbit okay and uh, it moves around the sun it must be clear to all of you venus is considered as the earth's twin why because it is almost similar to the earth इन साइज एंड शेप वीनस का सेप और साइज अर्थ के सेप और साइज से बहुत मिलता है और इसीलिए को अर्थ का ट्वीन कहा जाता है अर्थ का ट्वीन कहा जाता है अर्थ इज ऑल्सो अ प्लैनेट वीनस इज ऑल्सो अ प्लैनेट ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम का बहुत फेमस क्वेश्चन है प्लूटो अ प्लैनेट ऑगस्ट अगस्त 2006 यही बात तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आजकल पूछी जा रही है कि प्लूटो को कौन से ईयर से प्लेनेट मानना बंद कर दिया गया द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने कह दिया कि प्लूना प्लूटो में बी कॉल्ड ड्वार्फ प्लेनेट इसको अब हम प्लेनेट नहीं मानेंगे ये अब डनेट यानी बौना यानी नाटा प्लैनेट कहा जाएगा द अर्थ ये हमारी धरती है है ना और एक प्लेनेट भी है इट इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन द ब्लू प्लेनेट अर्थ को बोलते हैं फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन साइज ये सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए है स्लाइटली फ्लैट एट द पोल्स इसलिए इसको जियोइड जियोड भी बोलते हैं पोल्स मतलब साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल दिस शेप इज कॉल्ड अ जियोइट जियोइट मीन एन अर्थ लाइक शेप ये बातें हम लोग पहले कर चुके हैं दैट इज वाई विमूव है अर्थ के बारे में थोड़ा और यूनिक प्लेनेट वाई बिकॉज ओनली दिस प्लैनेट हैज लाइफ ओके फेवरेबल कंडीशन फॉर लाइफ नीदर टू कोल्ड नॉट टू हॉट वेद वॉटर एंड एयर इसेंशियल फॉर सरवाइवल ऑफ वट यू कैन से लाइफ Is possible, is available here life supporting gases like oxygen available on Earth. That is why Earth is called a unique planet. So, two things are there blue planet and unique planet. Who? Earth, the third planet. The Earth appears blue from outer space. Why? Because two -third surface is covered with water. And that appears to be blue from the sky, and that is why it is called the blue planet. The moon, the only satellite of the earth that is important for competitive examinations. Okay, the diameter of the moon is one quarter, one quarter means one by four, that of the earth. The moon appears so big because it is nearer to the earth, close to the earth. It's about 3,84,400 kilometers away from the Earth. It's not that much important because in competitive examinations, talent is tested, not your uh, information, how much information you have collected. In most of the cases, I am saying only one side of the moon is visible to us because the other side is opposite to us the moon moves around the sun in 27 days that is important for competitive examination and the moon takes the same time to complete one spin around the earth to one spin around the earth that is 27 days okay so that is also clear to you i think let's go ahead the moon uh, you can say the conditions for life unavailable on the moon, conditions for life not available. Unavailable means not available. Uh, the moon doesn't have mountains. We can't say like that. The moon does have mountains, plains, and depressions on it. But the thing which is required for life, that is water, not available. Atmosphere still information not available let's see what happens in future if research and other things reflect anything new we can't say this cast shadows on its surface only one side is visible to us one side of moon is visible to us we have already discussed that as the other side is opposite to us moves around the earth in 27 days and takes same time to complete one spin that we have already studied about the asteroids now uh, what are the asteroids the numerous tiny bodies apart from the stars planets and satellites moving around the sun okay together called what together called asteroids asteroids are found between the orbits of the mars and the jupiter in most of the cases okay

पीसेस ऑफ रॉक्स मूविंग अराउंड द सन छोटे छोटे टुकड़े हैं ये रॉक्स के जो सन के चारों तरफ काफी तेजी के साथ मूव करते हैं समटाइम्स कम नियर द अर्थ कभी कभी धरती के ऊपर भी आके गिरते हैं एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर फॉर रेफरेंस वी हैव पुट इट दे टेंट टू ड्रॉप ऑन इट धरती के ऊपर गिरते भी हैं कभी कभी ड्यूरिंग द प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन गेट हीटेड अप एंड बर्न कभी कभी फ्रिक्शन के कारण काफी गर्म हो जाते हैं और जल भी जाते हैं दिस कॉज इज लाइट इज़ सीन विटनेस्ड ऑब्जर्व इन द स्काई बट वेरी रेयरली वी मस्ट रिमेंबर बट वेरी रेयरली समटाइम्स वन फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ अलो जैसे ये गिरा ये गड्ढा हुआ ये भी गिरा यहां भी गड्ढा हुआ होगा तो इस तरह का देखने को मिलता है दैट इज ऑल अबाउट मिटेरॉइड वी मस्ट नो गैलेक्सी अ वाइट ग्लोइंग पाथ एक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टारी नाइट अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स द मिल्की वे गैलेक्सी ये मिल्की वे गैलेक्सी है ठीक है आसमान में ऊपर एक चमकीले रास्ते में ये जो चमकीलापन दिख रहा है आपको आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ओके मिलियंस ऑफ स्टार्स इट्स ए क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स ओके दिस इज कॉल्ड द मिल्की वे अबर सोलर सिस्टम इज द पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी द आकाश गंगा ओके और द रिवर ऑफ लाइट इसको हम लोग बोलते हैं A huge system of millions of stars and clouds of dust and gases. Three things. Millions of stars, number one. Number two, clouds. And number three, clouds of dust, number two. And number three, gases. These three are in this system, i.e. galaxy. Millions of galaxies make the universe. Now you can imagine what can be the size of of the universe how strange difficult to imagine the size of the universe anuman lagana hamare liye nahi kisi ke liye bhi the milky way now it's clear here this is the image of the milky way or the akash ganga i hope this is clear to all of you okay now uh, we can relate uh, ourself with the universe in this way this is me or you or anybody else this is the earth this is the solar system this is the milky way galaxy and this is the universe now you can imagine how small how tiny we are and how big the universe is this is Another image of the solar system, the sun and the and the planets. OK. And the way they move around the sun. This is the solar system or the family of the sun. So, my dear students, I hope uh, this chapter is clear to all of you. Uh, I suggest one thing. If we go through the things very carefully and pay attention the things will be very clear to all of us we must revise the things by writing written revision is always better than verbal revision okay thank you very much please do take care of your health and studies god bless you all thank you thank you once again